हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी इंग्लिश पढ़ने लिखने के क्लास 5 में हम लेकर आए हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। यानी आज के इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। यानी एक एक अक्षर को उच्चारण करते हुए आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस आज के इस क्लास में कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना क्लास को देखने के बाद भूल जाते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, आप जो है ना आज के इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे आप देखिए टी एच ए आर ई, इसको क्या पढ़ा जाएगा, देयर, ए आर ई आर बी ओ वाई एस, इसको क्या पढ़ेंगे, बॉयज, इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे देयर आर बॉयज। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आज के इस क्लास में एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए उसके बाद एक साथ मिलाकर उसको पढ़ना सिखाया हूं। तो आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा और उसमें कौन कौन सा अक्षर लिखा गया है और उसको कैसे पढ़ा जा रहा है इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ते वक्त आप प्रत्येक वर्ड्स जो है आपको पहचान में आ जाए, ताकि पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी आता रहेगा। तो आप जो है ना इस क्लास को देखने के बाद आप लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्लास को स्टार्ट करने। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस यानी इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखिए, अ सी एच आई एल डी, इसको क्या पढ़ा जाएगा, चाइल्ड, आई एस इज पी एल ए वाई आई एन जी, देखिए यहाँ पे प्ले में आई एन जी लग गया, तो इसको पढ़ा जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है। जिस भी अक्षर में आई एन जी लगा रहेगा वर्ड्स में उसमें ई इंग लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे प्ले है तो प्ले इंग, ठीक, इंग आएगा इसका इंग्लिश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे अ चाइल्ड इज प्लेइंग, ठीक, टी डब्ल्यू ओ टू सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन, A R E R W डबल E P I N G, देखिए आप whip में I N G लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, whipping, देखिए इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे to children are whipping, A M O N K E Y monkey, I S is I N in T H E द C A G E केज, अ मंकी इज इन द केज, T H R डबल E थ्री M O N K E Y S मंकीज, देखिए यहाँ पे y के जस्ट बाद s आया है तो इस s का ज उच्चारण होगा, ठीक है, रूल्स में हमने सीखा था, a r e r o n on t h e the t r double e, इसको क्या पढ़ेंगे, tree, देखिए इसको पढ़ेंगे three monkeys are on the tree, a b i r d बर्ड, आई एस इज आई एन इन टी एच ई द एन ई एस टी नेस्ट,
अ बर्ड इज इन द नेस्ट, टी एच आर डबल ई, थ्री बी आई आर डी एस बर्ड्स, ए आर ई आर एफ एल वाई आई एन जी, देखिए यहाँ पे फ्लाई में आई एन जी लगा है, इसको क्या पढ़ेंगे फ्लाइंग, तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे, थ्री बर्ड्स आर फ्लाइंग, देखिए यहाँ पे अ बी ओ वाई बॉय, आई एस इज आर ई ए डी आई एन जी, इसको क्या पढ़ेंगे रीडिंग, देखिए रीड में आई एन जी लगा है तो इसलिए इसको पढ़ा गया है रीडिंग, देखिए इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे, अ बॉय इज रीडिंग, टी डब्ल्यू ओ टू बी ओ वाई एस बॉयज, ए आर ई आर डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, इसको क्या पढ़ेंगे राइटिंग, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू जो है ना इसका उच्चारण नहीं हुआ है यानी साइलेंट लेटर है, ठीक है, जब हम साइलेंट लेटर वाला जो क्लास हम लेकर आएंगे ना साइलेंट वाला उसमें जो है ना आपको पूरा क्लियर हम कर देंगे, फिलहाल इसको राइटिंग पढ़िएगा, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे टू बॉयज आर राइटिंग, ठीक, तो चलिए आगे हम और भी आपको पढ़ने का प्रैक्टिस कराते हैं, अ जी आई आर एल गर्ल, आई एस इज एस एल डबल ई पी आई एन जी स्लीपिंग, स्लीप में आई एन जी लगा है स्लीपिंग, ठीक, यहाँ पे देखिए अ गर्ल इज स्लीपिंग, टी एच आर डबल ई थ्री जी आई आर एल एस गर्ल्स, ए आर ई आर एस के आई डबल पी आई एन जी स्कीपिंग, तो देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा डायरेक्ट, थ्री गर्ल्स आर स्कीपिंग, देखिए यहाँ पे एच ई ही आई एस इज अ एम ए एन मैन, ही इज अ मैन, टी एच ई आर ई इसको क्या पढ़ेंगे देयर, ए आर ई आर टी एच आर डबल ई थ्री एम ई एन मेन, देयर आर थ्री मेन, एस एच ई शी आई एस इज अ डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमन, शी इज अ वुमन, टी एच ए आर ई देयर, ए आर ई आर टी एच आर डबल ई थ्री डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन, देखिए यहाँ पे देयर आर थ्री वुमेन, आई एच ए वी ई आई हैव अ बी डबल ओ के बुक, आई हैव अ बुक, Y O U U H A V E have M A N Y many B double O K S books, you have many books, T H I S this I S is a K I T E kite, this is a kite, T W O 2 K I T E S kites, A R E R I N in T H E the S K Y sky, two kites are in the sky, यहाँ पे देखिए S H E she I S is C double O K I N G cooking, cook में I N G लगा है cooking, T H E the F double O D food, she is cooking the food, T H E Y they P L A Y play, H O C K E Y hockey, दे प्ले हॉकी, तो चलिए आगे हम और भी आपको पढ़ने का प्रैक्टिस कराते हैं,
SHE, she, READS, reads, देखिए read में S लग गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, reads, THE, the, BOOK, book, she reads the book, WRITE, write, देखिए यहाँ पे W जो है ना यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, राइट, ठीक, WITH, with, a, PENCIL, pencil, I write with a pencil, YOU, SIEEP, slip, ON, on, THE, the, BED, bed, you sleep on the bed, THE, the, BIRDS, birds, AREER, FLYING, flying, the birds are flying, YOU, you, AREER, SINGING, singing, sing में यहाँ पे ING लगा है, ठीक है, तो इसको देखिए डायरेक्ट पढ़ेंगे, यू आर सिंगिंग, THEY, दे, HAVE, हैव, TOYS, ट्वाइस, देखिए वाई के बाद लास्ट में एस लगा है तो एस का ज उच्चारण होगा, ट्वाइस, दे हैव ट्वाइस, अ COW, cow, IS, is, BEHIND, behind, THE, the, TREE, tree, तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, a cow is behind the tree, WEVAREER, FRIENDS, friends, we are friends, RABBIT, rabbit, IS, is, IN, in, FRONT, front, OF, of, THE, the, LION, loin, rabbit is in front of the loin, YOU, U, AREER, SONAM, सोनम, यू आर सोनम। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो है ना जो इसमें वर्ड्स लिखा गया है वो जो है ना अच्छे तरीके से याद हो जाए, समझ में आ जाए, ताकि आगे वही वर्ड्स जो है ना आपको किसी भी बुक या कहीं पे भी लिखा हुआ मिलता है तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे या लिखने को मिलेगा तो आप आसानी से लिख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही, आपको आज का यह क्लास कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को जो है अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में।